नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, मैं ऋषि। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 35 में, और जैसा कि नॉमिनेशन का दौर जो चल रहा था कल समाप्त हो चुका। तमाम जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट थे तमाम लोगों ने अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। अब चुनाव शुरू 30 सितंबर को मिलेगा और 20 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा, 22 को रिजल्ट आएगा। इस बार वार्ड 35 की जो भी कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर प्रसाद गुप्ता जी, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। आज यहाँ पर कार्यालय में लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं। उनसे जानना चाहेंगे 35 वार्ड से आप नॉमिनेशन किया है, क्या लगता है इस बार वार्ड 35 में परिवर्तन होगा? तो धर्म परिवर्तन होगा, और जो काम बचा हुआ है उसको मैं पूरा करने का सोच लेता हूँ। और जहाँ जो मेरे जनता, सभी वार्ड नंबर 35 की जनता है, उनको मैं आग्रह करता हूँ कि भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाए, और मैं उनके साथ 24 घंटा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा हूँ। क्या समस्या आपके वार्ड 35 में, कौन सा ऐसा समस्या है जो सबसे पहले आप जीतने के बाद दूर करेंगे? सबसे पहले समस्या मैंने लोगों से जाया तो मैंने पूछा, उसमें बहुत से ऐसे ए सेक्टर में वहाँ खास कर जो पानी की समस्या है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। उन लोगों से मैंने बात की और मैंने कहा कि ये समस्या, अगर मुझे आप लोगों ने चुना वार्ड परिषद के रूप में, तो मैं ये समस्या को दूर करने का विकल्प लेता हूँ। समस्याएँ अनेक हैं, तरह तरह का समस्या होते हैं, तो उनका मुद्दा को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे, जनता के बीच में? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी पानी का ही है, और अभी तो नगर निगम जो कचरा उठा रहे हैं बीच में, ये लोग का हड़ताल हो जाए, नहीं होना चाहिए, इसलिए आम जनता को भी दिक्कत होती है। और मैं चाहूँगा कि ये जितना से जल्द सब सही हो जाए। क्या लगता है इस बार आप लोग जा रहे हैं, कैसा जनता का प्यार इसमें? जनता का प्यार इसमें तो अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ, ये तो जनता के ऊपर है कि मुझे चुनकर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन मेरा पक्का वादा है इस बार मैं पार्षद का चुनाव जीतूंगा। इनका साफ कहना है कि जनता ही पे भरोसा है, इस पर चुनाव जीत के या अपने क्षेत्र में जो पानी है, जो भी समस्या है वो दूर करना चाहेंगे। और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं इनके साथ आए हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार वार्ड पैदी को, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उम्मीद है इनसे आपके वार्ड पार्षद प्रसाद जी जो नॉमिनेशन किए हैं, क्या लगता है वो जीतेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी? जैसे उनका कहना है कि जो भी समस्या दूर होगी और भी है, मैंने कहा क्या लगता है इस बार वार्ड 35 में परिवर्तन बदलेगा? सर अभी जीतेंगे तो बहुत परिवर्तन बदलेगा, अभी बदला है और अभी और बदलेगा, बहुत इनसे उम्मीद है कि बहुत आगे मैं विकास करेगा, पूरा उम्मीद है सर। पहले आप के क्षेत्र में गए बहुत ये खराब हुए थे, काम किए थे सर, बाकी थोड़ा सा लगी ये ठीक हो। वार्ड 35 में परिवर्तन का लहर है या वही पुराने ही राग है? नहीं, जीतेंगे ना तो राशन बांटेंगे, गली में कचरा सब साफ करेंगे। और अभी जो वार्ड पार्षद थे, हाँ, इससे पहले वो काम किए हैं आपके क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ हमें कि अभी से ज़्यादा अच्छा करेंगे, ये जीतेंगे तो वो अच्छा करेंगे। क्या नाम हुआ? इस बार वार्ड 35 परिवर्तन होगा कि वही पुराने वार्ड पार्षद रहेंगे कि नए को आप लोग चुने जा रहे हैं? तो यही चाहूंगी कि रंपू जी बने। तो काम हम करते हैं, काम तो करते हैं बढ़िया। हाँ, अभी तो परिवर्तन तय है। बिल्कुल, परिवर्तन संसार का नियम है ना, परिवर्तन तो होना भी चाहिए, जो कि इनमें दिख रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले बार जो वर्तमान में जो अभी पार्षद है हमारे राजकुमार गुप्ता, अब तो कोई नहीं समझिए भंग, अब तो जो भी फिलहाल तो वही है, अभी वर्तमान में उन्हीं को कहा जाएगा। ये 5 साल क्या उनका, 10 साल तक मैंने उनका अभी तक चेहरा नहीं देखा है, तो है कैसे उनका चेहरा तो दिखाई नहीं, दूर की बात है काम का उनका, उनको आपके क्षेत्र में नहीं आते आज तक दिखाई नहीं उनको, हमने अपने आंखों से तो नहीं देखा, पहले दूसरा कोई दिखा हुआ तो नहीं जानते, हम अपने आंखों से नहीं देखे, हम लोग उनको देखा ही नहीं। और रहा बात इस क्षेत्र का विकास के लिए, तो विकास तो इस रोड का आज तक हुआ नहीं, तो स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है समय पर,
कहते कहते थक गया आदमी की स्ट्रीट लाइट लगवा दिया जाए, स्ट्रीट लाइट नहीं लगता है। पानी आज भी देखिए अगर बरसात जोर से हो जाए तो पानी एक तरफ पूरा लग जाएगा, नाला का सफाई नहीं होता है। पटना का सबसे महंगा क्षेत्र कहा जाए कंकड़बाग तो है, महंगा 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 तो है ही है, लेकिन विकास नहीं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम 10 साल से हम लोग राजकुमार गुप्ता को जान रहे हैं और आज तक हम उनको टेके नहीं, भाई वो है शख्स कौन आदमी। तो 5 साल आदमी आजमाता है, 10 साल आजमा लिया आप लोग, फिर भी विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है? इस बार उम्मीद है कि रामकू प्रसाद जीतेंगे, क्योंकि 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 इन्होंने कोविड के समय में बहुत काम किया गरीबों के साथ, 25-33 दिन खाना खिलाया सभी लोगों को। लगता है एक बार 35 में परिवर्तन होगा कि वही चलेगा जो पुराना राज था? तब जरूर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। पहले वाले विकास विकास मतलब कैसा किए, पहले काम हुआ उनके लिए? विकास तो दूर का बात है, उनका चेहरा भी देखना दुर्लभ है, विकास तो दिखा ही नहीं, चेहरा दिख गया ये बहुत बड़ा चीज। तो वो तो दो टर्म 10 साल से लगभग यहाँ पे वो अपने जातिगत आधारित बातों को रख के वो जीतते आ रहे हैं, और कुछ खास बात नहीं है। परिवर्तन की उम्मीद है कि रघु प्रसाद जी बिना वार्ड पार्षद रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि 24 घंटे में किसी समय आप इनको फोन करने ये उपलब्ध रहते हैं, और जो भी समस्या होती है अभी तक इनके स्तर पर वार्ड पार्षद नहीं रहते हुए भी ये सुलझाने के काम किए हैं, काम किए हैं। तो यदि पार्षद बन जाते हैं तो पूरी उम्मीद है कि समस्या का निदान और अच्छे रूप में हो सकता है, और बहुत अच्छा सुधार हो सकता है वार्ड पार्षद से। क्या नाम है आपका? मेरा किसपे परिवर्तन होगा? बाढ़ से कोई परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है, 35 का जल निकासी का समस्या बहुत गंभीर समस्या है, और एक भी लिंक रोड जो है मेन रोड से ठीक नहीं है। यहाँ से आप चंदन ऑटो चले जाइए, किसी भी रोड का ठीक गति नहीं है। जो आप किसी भी मोहल्ले में किसी भी कॉलोनी में आप जाइएगा वार्ड नंबर 35 में, तो आपका पैर भींगना, कपड़ा भींगना, मैं भींगना ये लगा है, सब नाली का पानी बहते रहता है 24, और नाली का पानी बहते रहता है और 12 महीना बहते रहता है। पूर्व में जो भी प्रत्याशी उनका कोई ध्यान इस पर नहीं रहा, तो सब दुर्गति लगता ही नहीं कि हम शहर में रह रहे हैं, इतनी खराब गति वार्ड नंबर 35। काम तो पहला जो भी किए हैं वो आप घूम लेंगे, तो काम के बारे में हमसे बेहतर आप देख लेंगे, चाहे किसी गली किसी चौराहा। वार्ड 35 कंकड़बाग मेन रोड से बिल्कुल तिवारी नेचर के सटे हुए, उसको तो प्रायोरिटी में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ, सारी सड़कों पानी से भर गई है, नाला का वही हाल है, तो इसमें करने का तो आप देख सकते हैं बुरी स्थिति है। क्या नाम हुआ?